दंत पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब आपको बताते हैं कर्म फल में वो कर्म जो आपने किए और भोगना पड़ा आपके बच्चों को। 6 से 10 साल के बीच में बच्चे दिवंगत हुए, ये तो हमने आपको कुंडली के माध्यम से बताया कि वो आयुष्य योग बना क्यों, लेकिन कर्म भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं। कर्म फल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ किसी बच्चे की कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है तो ये दंश आपको ना देखने को मिले, इसके लिए क्या प्रयोग होना चाहिए, आइए आपको तमाम जानकारियां देंगे कर्म फल में। आपका किया आपके आगे आगे चलता है, अर्थात आपके कर्म का फल आपके समक्ष बहुत जल्द दिखाई देता है। आज हम बता रहे हैं आपको, यदि आप अपने सेवकों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करते हैं तो आप अपनी कुंडली के राहु और शनि को दूषित करते हैं। आपके सेवक अर्थात आपकी सेवा जो करते हैं, हर प्रकार की सेवा, आपके घर में कोई काम वाली आ रही है, आपका कोई गाड़ी साफ करता है, आपको कोई रिक्शे से कहीं पहुंचाता है, ये सब आपके सेवक की श्रेणी में आते हैं। इन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार यह आपके शनि और राहु को दोषपूर्ण स्थिति पर लाएगा, जिससे आपके जीवन के पूर्व जन्म के 11 जन्म का पुण्य एक साथ क्षीण हो जाता है। पुण्य गया, पाप अपने आप सामने आ जाता है। उपाय बता देते हैं, अगर आपके बच्चे के जन्मांक में इस प्रकार का दोष है जो अभी हमने बताया था, क्या उपाय करें। एक रोटी ले लीजिएगा, उस पर शहद से अपने बच्चे का नाम लिखिएगा। रोटी पर शहद से अपने बच्चे का नाम लिखें और जौ का आटा उस पर हल्का सा छिड़क दीजिएगा। इसके बाद इस रोटी को धूप दीप आरती दिखाकर प्रणाम करते हुए, अन्न को प्रणाम करते हुए गौ माता को जाकर के आप खिला दीजिएगा। यह पूरे श्राद्ध लगातार कर डालिए 12 अक्टूबर तक। अमावस्या तिथि तक के उपाय करेंगे, जरूर फायदा होगा, आपके बच्चे को आयु बल प्राप्त होगा। जी हाँ, और एक मोक्ष मंत्र है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, गरुड़ पुराण से लिया गया है, और कौन सा अध्याय है और उससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है ये भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन दिल्ली से कंचन जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप। हेलो जी। हाँ नमस्कार दंदी। नमस्कार प्रणति। नमस्कार राधे। हाँ जी, हम आपका शो 5 साल से देख रहे हैं लगातार। शुक्रिया, धन्यवाद। तो मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 88। जी। समय? रात 9 बजे और दिल्ली का बर्थ है। जी। इसकी शादी के बारे में पूछना है, इसकी शादी कब तक होगी और इसका मतलब कैरियर कैसा है। जी क्या कर रही हैं अभी? अभी क्या कर रही हैं? जॉब कर रही हैं? नहीं, एमए कर रही है, ये फाइनल है इसकी एमए। जी चलिए, देखिए मकर लग्न इनका है, नौकरी लग जाएगी इनकी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर प्रयास करें तो उसमें सफलता मिल रही है। बृहस्पति बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, कुंडली इनकी बहुत अच्छी है, शनि की महादशा चल रही है, इसमें थोड़ा सा स्लो होता है, शनि हर प्रकार के फल देने में कुछ देरी करवा देते हैं, तो विवाह का फल वह भी विलंब से मिलेगा और नौकरी भी विलंब से है। द्वितीयस्थ मंगल राहु देवी जी, वैधव्य दुख का योग इसमें है, तो एक बार मंगल राहु की शांति जरूर करवाएं और एक बार गुड़िया को लेकर जरूर आइएगा, जन्मांक दिखवा लीजिएगा, क्योंकि सेकंड का राहु भी विधवा बनाता है और मंगल भी वैधव्य दंश देता है। अब यह कम उम्र में ना दे, इसके लिए इसकी शांति हमने बता दिया है, वैदिक अनुष्ठान करवा के शांति करवा लीजिए। जी। और चलिए, जैसे कि हर मनुष्य जो है जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और ऐसा ही आप भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा जीवन सफल हो, और एक गरुड़ पुराण से अभी हम आपको अध्याय सुनवाएंगे और उसका जो निष्कर्ष है ये भी हम आपको सुनवाएंगे, ताकि आपका जीवन जो है वो सफल हो और आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। जानते हैं सब जानकारी मोक्ष मंत्र में। बेहद गहराई के साथ इसको समझने का प्रयास करिएगा। श्लोक हम सुनाते हैं, आज हमने लिया है
अध्याय 3 से श्लोक नंबर 25-26-27 गरुड़ पुराण के, भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषित है किमर्थम अर्जितम पापम युष्मा भी विवेक भी काम क्रोधा उत्पन्न संदमेन च पापिनाम तत्पापम दुखदम मूढ़ा किमर्थम चरितम जना कृतवंत पुरम यूयम पापा अन्य अत्यंत हर्षिता तथैव यातना भोग्या किमिदानीं परामुगा। समझिए श्लोक आपके सामने, हे पापी दुराचारी जीव, यह उस जीव के लिए कहा गया है जो इस समय मृत्यु पाई है और जो इस समय अब यमलोक की तरफ अग्रसर हो रही है। अहंकार से युक्त विवेक रहित हो तुम, पाप रूपी धन का संचय किस लिए किया? धन का संचय नहीं करना चाहिए, उसको दान देते रहना चाहिए, दान देने से ही आपको गति मिलती है। किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, यह आपके प्रकृति को शुद्ध करता, शुभ करता, परंतु धन का संचय नहीं करना चाहिए था। पापी मनुष्यों की संगति से और पाप काम क्रोध से पैदा हुए ऐसे दुख देने वाले कर्म तुमने किस लिए किया है? यह उस आत्मा से देवलोक के यमदूत प्रश्न करते हैं, लेकिन उस समय उस आत्मा के पास कोई उत्तर नहीं होता है बोलने के लिए। अत्यंत होकर प्रसन्न होकर के जैसे तुमने पाप किया है अब उसी तरह से उन दुखों का भोग करो, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हैं, आत्मा बोल नहीं पाती है उस समय, और उसको सिर्फ और सिर्फ दुख भोगने के अलावा कुछ शेष नहीं रहता। तो मित्रों, मेरे बंधुओं, धन का दान करें, जो जरूरतमंद है उनको धन दें, बैंक में खूब सारा इकट्ठा करके ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, दान करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा और आप मुक्ति पाएंगे। और एक सच भी है, धन लेकर जाएंगे कहाँ? बिल्कुल, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है, तो सही बात है, धन का दान जरूर करना चाहिए। और चलिए अब बारी आ गई है लकी अक्षर की, अब आपको देते हैं आपकी ताकत, आपका लकी फ्रेंड यानी कि लकी अक्षर आपकी राशि के अनुसार। नोट कर लीजिएगा, आज की तारीख से लेकर कल सुबह तक के लिए मेष के लिए डाक्षर है और वृषभ के लिए डाक्षर आपके समक्ष है, मिथुन के लिए सा है और कर्क के लिए याक्षर है, सिंह राशि के लिए गा और कन्या के लिए राक्षर समक्ष आ चुका है, तुला राशि के लिए भा है और वृश्चिक के लिए लाक्षर है, धनुराशि के लिए वाक्षर और मकर के लिए ज्ञा, कुंभ राशि के लिए था अक्षर और मीन के लिए घा। ये आप अपने राशि के अनुसार इसको नोट कर लें और 24 घंटे हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिएगा, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर आ चुका है। जी हाँ, और किचन पिटारा भी बस खुलने ही वाला है, और फायदा क्या होगा? आज का फायदा ये रहेगा कि अगर बार बार जॉब चेंज हो रही है, नौकरी में स्थायित्व नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो आज कुछ खास है। बिल्कुल, और अब हम बात करेंगे, किरण जुड़ी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप, इनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन पूनम जुड़ी हैं। पूनम जी, स्वागत है आपका शो में, आप अपना सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। हाँ जी, मैं चेन्नई से बोल रही हूँ। अच्छा जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ? उसका डेट ऑफ बर्थ 2nd November जी 1976 जी। समय? टाइम है 8:53 रात को जी। जयपुर राजस्थान जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए? ये बंदी जी, मुझे पूछना है कि मुझे मेरे बेटे के कुंडली में पितृ दोष तो नहीं है, और उसकी शादी के बारे में पूछना है, और उनकी ये करियर के बारे में पूछना है। उसकी अभी शादी, अभी शादी नहीं हुई क्या इसकी? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई पंडित जी। जी, अरे बाप रे, 76 की पैदाइश, बुद्ध की महादशा चल रही, पितृ ऋण बहुत प्रबल है, तुला राशि का सूर्य है और साथ साथ राहु बैठा है, सेकेंड हाउस में कर्क राशि के शनिदेव हैं, मिथुन लग्न इनका है और इनकी राशि कुंभ है, बहुत बड़ा दोष है इनके जन्मांक में, कराइए जल्दी से शांति। कहाँ थी अब तक आप, इतना दिन किसका वेट कर रही थी? आप लोग परेशान होकर के फोन लगने का वेट करते हैं, जबकि फोन लगने से पहले कितना नुकसान हो जाता है, तो एक बार आप निजी तौर पर भी मिलने का प्रयास कर लिया करिए। देखिए, जल्दी से जल्दी इनका विलंब शांति करवा लीजिए, शनि माफ कीजिएगा सूर्य और राहु की शायद विवाह का कुछ योग बन जाए, 2016 बीतने के बाद अविवाहित योग ही रहेगा देवी जी। सात्विक आहार ग्रहण करें, तांबे का कड़ा पहने, गौदान करें। जी हाँ,
वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपको चतुर्थी के श्राद्ध से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, जी आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में तीनों पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी मतलब? बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज, ले लो जी। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल बीएच प्लस हेयर कलर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्चा दबंग हो, DMR Desire, दीवाना बना। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। धरती से करोड़ों मील दूर, आसमान के उस पार, लाल ग्रह पर जीवन के सबूत, मंगल पर पानी, सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और चलिए अब आपको किचन तक लेकर जाते हैं। जी हाँ, पे किचन से जुड़ी हुई एक सामग्री इसके अंदर है जो आज आपको विशेष लाभ देने वाली है। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो नौकरी में प्रॉफिट होने वाला है आपको, नौकरी में आप स्थायित्व चाहते हैं तो ऐसा होगा, लेकिन इसके लिए प्रयोग अपनाना है आपको किचन पिटारी से। बहुतों की शिकायत रहती है कि एक एक माह में नौकरी बदलते रहते हैं, कुछ न कुछ दोष वहां आ जाता है, कई बार आपके द्वारा दोष, कई बार सामने वाले के द्वारा दोष। अब ऐसी स्थिति में आप बार बार भटकते रहेंगे। अब सामग्री इसके अंदर क्या है पहले इसको जानें आप। गेहूं के दाने, गेहूं के दानों के द्वारा कैसे आप अपने नौकरी को स्टैब्लिश कर सकते हैं, नौकरी को स्थायित्व दे सकते हैं, सामने आपके हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शरीर में फाइबर की पूर्ति करता है, ये तो इसका जो विशेष तत्व था, वैज्ञानिक तथ्य था, वो आपने जाना। सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों का संबंध इसके साथ डायरेक्ट होता है, और यही दोनों ग्रह आपको स्टैब्लिश करते हैं। 11 गेहूं के दाने आपको प्राप्त करने हैं, अपने रसोई से ले लें। वैसे तो गेहूं के दाने बहुत कम मिलता है, आजकल लोग रेडीमेड आटा ही जाके खरीद लेते हैं, लेकिन रखा करें, अब सब कुछ रखें, क्योंकि कुछ भी हम ले सकते हैं। गंगा जल से धुल करके थोड़ा सा एक चुटकी नमक
मिलाकर काले कपड़े में बांध लीजिए। छोटा सा कपड़ा लीजिएगा, ज्यादा बहुत बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मात्र 11 दाने। एक रात के लिए सिरहाने रख लीजिएगा, अगली सुबह इसको बाहर कहीं फेंक दीजिएगा और यह उपाय हर गुरुवार और शुक्रवार को दोहरा लीजिएगा। इसका प्रभाव देखेंगे। मित्रों, कभी भी उपाय के चक्कर में किसी भी सामान का अपव्यय ना करिएगा। सामान बस नाम मात्र लें, लेश मात्र लें, क्योंकि उस सामान का अपव्यय हो सकता है किसी की खाली पेट को भर दे। अर्थात जब आप उसको किसी को दान करेंगे तो ज्यादा प्रभावी रहेगा, ज्यादा फल देगा। जी हाँ, आप सबका राशिफल भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से अशोक जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप। अशोक जी, हेलो जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। रामचंद्र जी, नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। भैया श्रीराधे, श्रीराधे जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1976। हाँ जी, शाम को 8 बजे। कहाँ पैदाइश है भैया? सर उत्तर प्रदेश अमेठी। अमेठी जी। हेलो जी, हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ बोलिए बोलिए भैया, बोलिए, बताएं अपना सवाल है। आचार्य जी, हम दिल्ली में रहते हैं, क्या दिल्ली में हमारा अपना मकान मिल पाएगा? जी बताते हैं, आपकी कुंडली देखिए हमारे समक्ष है और उत्तर प्रदेश वालों की भाषा ही इतनी मीठी होती है, अच्छा लग जाता है। वृश्चिक लग्न आपका है और अपना मकान 100% बनेगा। लग्नेश होकर के मंगल अपने से चौथे चतुर्थ भाव में ही आके बैठा है, निश्चिंत रहें। अब चूंकि कुंभ राशि में बैठा है, अभी हमने बताया था कि जब शनिदेव का प्रभाव किसी भी भाव से होता है तो उसमें विलंब करते हैं। शनिवार का भैया व्रत कर लीजिएगा और साथ ही साथ हर शनिवार के दिन कुछ अनाज का दान करिएगा। चावल है, दाल है, आटा है, गेहूं, कुछ भी दान करिए, लेकिन करिएगा जरूर हर शनिवार। सांस लेना भूल जाइए लेकिन दान करना ना भूलिएगा, जरूर अच्छा होगा, निश्चिंत रहिएगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके परिवार में सुख समृद्धि ना है, लेकिन कुछ है तो वो ये है कि गम है और बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, और जिन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया है तो ये सब होता है पितृदोष की वजह से। और हम आपको बताएंगे कि चतुर्थी का जो श्राद्ध है आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है और घर में सुख समृद्धि का वास करा सकता है, कैसे आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बंदर देखा, हाथी देखा, बारा सिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुप चुप सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल, The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो,
और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ, बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दिया, न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों। दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। धरती से करोड़ों मील दूर, आसमान के उस पार, लाल ग्रह पर जीवन के सबूत, मंगल पर पानी, सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन का आपका राशिफल मेष से लेकर मीन तक का। जी हाँ, शिक्षा क्षेत्र में सफलता मेष वालों का इंतजार कर रही, व्यापार में तरक्की हो रही, आज गुलाबी रंग की शुभता है और 69% का भाग्य साथ है। वृषभ राशि, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, अनजान व्यक्तियों से सावधान रहें, सफेद रंग की शुभता रहेगी, 65% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मिथुन राशि, साझेदारी में लाभ मिल रहा है, यात्रा का योग, नारंगी रंग की शुभता रहेगी, 70% भाग्य आपके साथ जुड़ा रहेगा। कर्क राशि, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बैंगनी रंग शुभ होगा, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, 55% का भाग्य आपके साथ रहेगा। सिंह राशि की चर्चा, नौकरी में बदलाव अभी ना करिएगा, माता की सेवा करें, लाल रंग शुभ होगा, 66% का भाग्य साथ दे रहा है। कन्या, बहुत सोच विचार करके निवेश करें, कारोबार में लाभ, भूरा रंग शुभ है, 45% का भाग्य मध्यम भाग्य साथ दे रहा है। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग करें, फिजूल खर्च बढ़ रहा है, आज सफेद रंग शुभ होगा, 60% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक, विवाह की बात टाल दीजिएगा, अभी वैसे भी श्राद्ध चल रहा है, उधार लेन देन न करें, नीला रंग शुभ है, 50% का भाग्य साथ दे रहा है। धनुराशि, अनजान अपरिचित करीब न आने पाए, कानून को हाथ में न ले, पीला रंग शुभ है, 55% का भाग्य। मकर, कोर्ट के पचड़ों में ना पड़िएगा, कार्यों में रुकावट आ सकती है, हरा रंग शुभ होगा, 61% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कुंभ राशि, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है, पड़ोसी से मनमुटाव हो सकता है, क्रीम रंग शुभ होगा, 48% का भाग्य साथ देगा। मीन, कार्य क्षेत्र में लाभ आज मिल रहा है, मीन राशि वालों के लिए सेहत पर ध्यान दें, बादामी रंग शुभ है, 56% का भाग्य साथ दे रहा है। बिल्कुल, और जाने से पहले अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और इसी के साथ कार्यक्रम में भी आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, हम आपको बताएंगे कि क्यों 11 से 15 साल के बीच में बच्चे जो है दिवंगत होते हैं, रुखसत हो जाते हैं दुनिया से, क्या वजह होती है और कौन से वो दोष हैं जो ये आयुष्य योग इनके जीवन में लेकर आता है, और साथ ही साथ चतुर्थी का जो श्राद्ध है इससे जुड़ी हुई अहम जानकारियां कल दी जाएंगी आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। वहाँ कौन है तेरा
मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। धरती से करोड़ों मील दूर, आसमान के उस पार, लाल ग्रह पर जीवन के सबूत, मंगल पर पानी, सुबह 9:30 पर। इस बार शोले बिछे हैं राहों में, धोनी का अग्निपथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। हम आज बिहार के गया जिला में हैं। गौतम बुद्ध और विष्णु की भूमि है, क्या यहाँ विकास नहीं होगा? भुसंडा पशु मेला में प्रस्तावित है स्टेडियम बनना। वो एक पावर ग्रिड बनना था, भोरे के नाम पर वो गेरे बन गया। जो जरूरत है पावर ग्रिड बनाने का, वो भी आने वाला समय में बनेगा। बिजली के सेक्टर में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। 1825 दिन जो हमारा गुजर गया, 5 साल, उसमें विधायक जी का हमारा क्या योगदान रहा। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव मिले। जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभवी आता है निकल कर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015, सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दीवाल पीएच प्लस हेयर कलर आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव के लिए बनाए गए महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कॉन्फ्रेंस में आने से मना कर दिया। अब इस कॉन्फ्रेंस में केवल 6 राज्यों के मुख्यमंत्री औपचारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम के मुख्यमंत्री इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इनमें से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार की व्यस्तता के चलते खुद दिल्ली नहीं आ रहे हैं। नीतीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। 2 देशों का दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया लौट आए हैं। प्रधानमंत्री के दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और विजय गोयल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह अमेरिका से रवाना हुए थे। अमेरिका से भारत रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर दौरे को बेहद सफल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी दिल जीत लिया। पीएम मोदी एयरपोर्ट से अपने लाव लश्कर के साथ जैसे ही चलने लगे,
तभी रास्ते में उनसे मिलने आए बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हुए दिखाई दिए। मोदी ने जैसे ही कार्यकर्ताओं को खड़े देखा, तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और सभी कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मोदी गाड़ी में बैठकर फिर से आगे रवाना हुए।